नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में आज हम सबसे पहले तुलसीदास के जीवन का परिचय जानेंगे, यानी तुलसीदास कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम पाठ से संबंधित प्रसंग को जानेंगे, यानी जिन कविता को हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले क्या कुछ गुजरा और ये कहानी किस पर आधारित है उसका वर्णन करेंगे। और इस ही वीडियो में हम पहले छंद का अर्थ भी जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं वीडियो। स्क्रीन पर आपको एक ब्राह्मण का चित्र दिखाई दे रहा है। ये ब्राह्मण है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास। जिस प्रकार सूरदास कृष्ण के भक्त हैं, उसी प्रकार तुलसीदास राम के भक्त हैं। इन्होंने अपनी कविता में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इससे पूर्व ब्रज भाषा का प्रयोग हिंदी कविता में हो रहा था। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस और विनय पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रामचरितमानस तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। रामचरितमानस रामायण की कथा वस्तु को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है, किंतु रामायण से अतिरिक्त रामचरितमानस में लोक मंगल की कामना मिलती है, यानी लोगों के उद्धार की दृष्टि हमें इस ग्रंथ में मिलती है। आइए विद्यार्थियों, हम इस कविता का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। शुरू करने से पहले पाठ का प्रसंग जान लेते हैं। कहानी है सीता स्वयंवर की। जब सीता बड़ी हो गई तो उनके पिता राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध राजा आए। राजा जनक ने चुनौती रखी कि जो भी शिव के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा वही ही सीता का वर होगा। परंतु कोई भी राजा ऐसा नहीं कर पाया। अंत में विश्वामित्र के आग्रह से जब श्री राम ने उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने का प्रयास किया तो वह धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही परशुराम, जो कि शिव के अनन्य भक्त थे, का ध्यान टूट गया और वे उस स्वयंवर में उपस्थित हो गए और क्रोध करने लगे। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण, श्री राम, विश्वामित्र और जनक ने क्या कुछ बात की, इसी पर आधारित है यह प्रसंग। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। संभु धनु यानी शिव का धनुष, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला। विद्यार्थियों ध्यान रहे कि यह कविता अवधि में लिखी है। अयेसु यानी आज्ञा, रिसाई यानी गुस्सा, सेवकु यानी सेवक, अरी करनी यानी शत्रु का कार्य और रिपु यानी शत्रु। आइए अब कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग होना। अवमाने यानी अपमान करने वाले। जब हम व्याख्या करेंगे तो आपको इन शब्दों का अर्थ जो है वे और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अगला शब्द है लरिकाई। लरिकाई का अर्थ होता है बचपना। रिस यानी गुस्सा। भृगुकुल केतु यानी सूर्य वंश में जन्मे। और संभार यानी समझ और विदित यानी जानता यानी प्रसिद्ध। आइए विद्यार्थियों अब हम इस छंद का अर्थ जानते हैं। जिस छंद का अर्थ हम जानने वाले हैं वह इस अंश का पहला छंद है। छंद प्रारंभ होता है नाथ संभु धनु भंजनिहारा होइहे केहु एक दास तुम्हारा। यहां पर नाथ संभु धनु भंजनिहारा यानी जो परशुराम है वे कहते हैं कि नाथ यानी मेरे ईश्वर का, मेरे शिव का धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो राम कहते हैं कि वह आपका कोई दास ही होगा। वह परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यदि उसके लिए कोई आज्ञा है तो आप मुझसे कहें। इस पर
परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक वह है जो सेवा करे, अरी करनी कर करिया लड़ाई, यानी उसने जो है वह शत्रु का काम किया है और ऐसा करने वाले से तो युद्ध ही करना चाहिए। वे कहते हैं सुनहु राम जेहि सेवधनु तोरा सह सबाहु सम सो रिपु मोरा। वह राम से कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहसबाहु के समान मेरा शत्रु है और मैं उसका खात्मा करूंगा। सहसबाहु दरअसल एक राजा था जो कि परशुराम का एक बहुत ही बड़ा शत्रु था, जिसका वध परशुराम ने किया था। आगे परशुराम कहते हैं सो बिल गाओ बिहाई समाजा ना तुम्हारे जय हे सब राजा, यानी वो व्यक्ति जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, इस सभा से अलग होकर मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजा को मार दूंगा। इस पर सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे और बोले परशु धर ही अवमाने, परशु का धारण करने वाले और अपमान करने वाले। उन्होंने परशुराम को इस प्रकार संबोधित किया और परशुराम को क्रोध आ गया। आगे वे कहते हैं बहुधुन ही तोरी लड़काई कभू ना इसी ऋषि किन्हीं गोसाई, यानी वे कहते हैं कि हम बचपन से बहुत से धनुष तोड़ते आए हैं, उस पर तो कभी आपने गुस्सा नहीं किया है गोसाई, कभू ना इसी ऋषि किन्हीं गोसाई। आगे वे कहते हैं यही धनु पर के ही ममता हेतु, लक्ष्मण कह रहे हैं इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। अब उनकी बात सुनकर गुस्से में आकर भृगुकुल केतु यानी परशुराम कहने लगे कि हे राजा के बालक, यानी हे राजकुमार, काल के प्रभाव में तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है, तू सामान्य धुनियों से यानी सामान्य धनुष से मेरे प्रभु शिव के धनुष की तुलना करता है। विद्यार्थियों, यहां आपने देखा कि किस प्रकार श्री राम का जो चरित्र है वह सरल है और मन को शांति देने वाला है, वहीं परशुराम का जो स्वभाव है बहुत ही क्रोधी है और लक्ष्मण जो है वह उनसे तर्क कर रहे हैं, वह उनका प्रत्युत्तर कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में भी जाना कि लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है। वह वाक्पटु है। वाक्पटु का अर्थ होता है उचित समय पर उचित वाक्य का प्रयोग करना, उचित बात कहना। तो यहाँ पर हमें लक्ष्मण का स्वभाव भी पता चलता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि तुलसीदास कौन थे और परशुराम का क्रोध और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। घर जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करिए। आप घर से छंद संख्या 2 और 3 पढ़कर आए, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। इससे आपको अगला वीडियो समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।